Which is the best moisturizer? क्या आप जानना चाहते हैं सबसे अच्छा moisturizer कौन सा है? तो keep watching this video. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। मैं हूं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, ग्रे स्किन क्लिनिक सूरत से। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूं कि कौन सा मॉइस्चराइज़र सबसे अच्छा है। मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत हमें सबको है क्योंकि एज, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, बैड लाइफस्टाइल, बैड स्किन केयर के वजह से धीरे धीरे जो मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं स्किन में, जो कि है लिपिड बायलेयर और वाटर, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, कम हो जाता है और स्किन को प्रोटेक्शन के लिए अलग से मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मॉइस्चराइज़र हमें यूज़ करना चाहिए वो हमारी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है और मौसम पे डिपेंड करता है। ड्राई स्किन के लिए जो मॉइस्चराइज़र मैं प्रेफर करती हूँ वो यूजुअली क्रीम बेस्ड होते हैं और वो हैवी मॉइस्चराइजेशन देते हैं। मेरे प्रेफर्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं ओरिज़ा क्रीम, फिजियोजेल क्रीम, फिजियोजेल AI क्रीम, बायोडर्मा इटोडाडर्म, ज़ेरोकाम, सीटाफिल रिस्टोराडर्म, अवीन ज़ेराकाम। ये मॉइस्चराइज़र मैं ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। नॉर्मल स्किन के लिए जो मॉइस्चराइज़र मेरे प्रेफर्ड चॉइस हैं वो हैं ओरिज़ा लोशन, फिजियोजेल लोशन, बायोडर्म एटोडर्म एपिथेलियल AH ड्यो। ऑयली स्किन के लिए जो मेरे प्रेफर्ड मॉइस्चराइज़र हैं वो हैं ओरिज़ा लोशन, फिजियोजेल लोशन, एक्रोफी, सीबॉव जेल, मोइमैक्स OC जेल। ये मैं ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कॉम्बिनेशन स्किन में भी यूज ऑयली स्किन के लिए, ऑयली फेस के लिए जो मॉइस्चराइज़र हैं वो प्रेफर्ड चॉइस रहते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ फिजियोजेल AI क्रीम या लोशन, डिपेंडिंग ऑन सीजन या ऑयलीनेस ऑफ स्किन। ओरिज़ा लोशन और क्रीम भी यूजुअली सेंसिटिव स्किन वालों को सूट करता है, या रिस्टोराडर्म जो सेटाफिल का है वो बहुत अच्छा रहता है सेंसिटिव स्किन वालों को। तो ये मॉइस्चराइज़र्स हैं जो बेस्ट हैं मेरी ओपिनियन में और मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स को कंफर्टेबल लगते हैं।